हेलो फ्रेंड्स, मैं डीके हूं। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पे। आज दोस्तों हम जिंक फ्यूचर्स के कॉन्ट्रैक्ट पर एमसीएक्स इंडिया पर हम मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस के द्वारा जिंक के प्राइस मूवमेंट को समझने की कोशिश करेंगे। और मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस के द्वारा जब हम एनालिसिस करते हैं तो प्राइस एक्शंस पे बेहतर समझ डेवलप होती है दोस्तों। तो दोस्तों हम शुरुआत कर रहे हैं मंथली टाइम फ्रेम से। आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं जिंक फ्यूचर्स का करंट कॉन्ट्रैक्ट पर प्राइस चार्ट। मासिव इंपल्सिव वेव के बाद दोस्तों प्राइस में यहां पर एक भारी गिरावट देखी गई, और इस गिरावट के बाद इस प्रोसेस में हमने यहां एक डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न देखा। डबल टॉप का फॉर्मेशन था और उसके बाद में करेक्शन होने के बाद यहां पर आप देखें लोअर लो बनाने की प्रक्रिया समाप्त हुई। और वो क्यों हुई दोस्तों कि पहले यहां जो रेजिस्टेंस था और यहां पे पिन बार फॉर्मेशन आप देख सकते हैं, उस जगह पे प्राइस ने सपोर्ट लिया और इसके बाद ये मार्कअप फेज में आ गया। हायर हाइज एंड हायर लोज का फॉर्मेशन कर रहा है। लेकिन दोस्तों ये हॉरिजॉन्टल लाइन को ध्यान से देखें, करीब 230 पर मल्टीपल टाइम रिजेक्शन हुआ है प्राइस का। मींस 230 का लेवल कहीं ना कहीं एक सप्लाई जोन के रूप में एक्ट कर रहा है। प्राइस का रिजेक्शन और फिर यहां पर हम कैंडल, ऑल्दो बुलिश कैंडल है फरवरी 2021 की, लेकिन कहीं ना कहीं एक अपर शैडो लार्ज फॉर्म होती हुई नजर आ रही है जो प्राइस के रिजेक्शन को इंडिकेट करती है। अब यहां सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क आता है कि क्या ये रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट होगा और या फिर प्राइस करेक्ट होके नीचे आएगी। तो दोस्तों कुछ बातें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। इस प्रायर इंपल्सिव वेव का अगर हम ये देखें तो कहीं ना कहीं कप एंड हैंडल फॉर्मेशन बनता हुआ नजर आ रहा है। ये कप का फॉर्मेशन है, ये शैलो करेक्शन है जहां पर हैंडल का ब्रेकआउट होता हुआ नजर आ रहा है फरवरी 2021 में, जहां सर्ज इन दी वॉल्यूम भी देखा गया। तो दोस्तों करंट मंथ की कैंडल को देखें तो एक कहीं ना कहीं पिन बार फॉर्मेशन करती हुई नजर आ रही है। ऑल्दो करंट मंथ अभी समाप्त नहीं हुआ है, कैंडल कंप्लीट नहीं हुई है। अब इस ट्रेंड लाइन को ध्यान से देखें, प्राइस का मल्टीपल सपोर्ट है जो जब लोअर टाइम फ्रेम में हम चलेंगे तो बेहतर तरीके से क्लैरिटी आएगी। तो चलिए दोस्तों अब चलते हैं वीकली टाइम फ्रेम में और इस एनालिसिस को आगे बढ़ाते हैं। अब यहाँ पर और क्लैरिटी आ रही है, प्राइस का रिजेक्शन एंड वंस अगेन प्राइस का रिजेक्शन। और इसको ट्रेंड लाइन को देखें, प्राइस का सपोर्ट, मल्टीपल सपोर्ट और वंस अगेन प्राइस इस सपोर्ट के पास से बाउंस बैक कर रही है, जहां पर हमें क्या कन्फ्लुएंस मिल रहा है दोस्तों। एक तो कन्फ्लुएंस मिल रहा है EMA 21 पे प्राइस ने सपोर्ट लिया, और उसके बाद आप देखिए 15 मार्च 2021 की कैंडल जो है वो वन वाइट सोल्जर का फॉर्मेशन करती हुई नजर आ रही है, जो एक बुलिश साइन है दोस्तों। इसके अलावा और क्या कन्फ्लुएंस मिल रहा है दोस्तों, तो चलिए हम फिबोनाची टूल का इस्तेमाल करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। तो लास्ट इंपल्सिव वेव का फॉर्मेशन ये यहाँ से हुआ दोस्तों, और उसके बाद जो करेक्शन हुआ, प्राइस ने 78.6% फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल पे सपोर्ट लिया, जो कि एक डेरिवेटिव है गोल्डन रेशियो का, और उसके बाद 61.8% जो गोल्डन रेशियो है इसके ऊपर में प्राइस ट्रेड हो रही है। इसका तात्पर्य है दोस्तों कि प्राइस की अपसाइड मूवमेंट की संभावना बढ़ती हुई नजर आ रही है। इंटरवीनिंग रेजिस्टेंस की बात करें दोस्तों तो आप देखिए यहाँ पर इसे एक इंटरवीनिंग रेजिस्टेंस मिलेगा। प्राइस का यहाँ पर रिजेक्शन है मल्टीपल, तो 225.3 पर ये एक रिजेक्शन मिलेगा जो इस फिबोनाची रिट्रेसमेंट का 38.2% रिट्रेसमेंट लेवल है, जो अनदर डेरिवेटिव है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों अब डेली टाइम फ्रेम में चलते हैं और डेली टाइम फ्रेम में रीसेंट प्राइस एक्शन को समझकर संभावनाओं को तलाशते हैं कि किस तरह से ट्रेडिंग स्ट्रेटजी फॉर्मुलेट की जा सकती है जिंक में, और एक लॉन्ग ट्रेड की संभावनाओं को हम समझ सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, तो
दोस्तों अब डेली टाइम फ्रेम में जब हम प्राइस चार्ट को समझने की कोशिश करते हैं तो जो ट्रेंड लाइन हमने लार्जर टाइम फ्रेम में खींची वो देखिए यहाँ किस तरह से वैलिड नज़र आ रही है। प्राइस का मल्टीपल सपोर्ट है, फिर प्राइस ने यहाँ सपोर्ट लिया, इसके बाद दोस्तों यहाँ पर फिर प्राइस ने सपोर्ट लिया, वंस अगेन प्राइस यहाँ सपोर्ट लेके बाउंस बैक होती हुई नज़र आ रही है। ट्रेंड की एनालिसिस करें दोस्तों तो EMA 55 SMA 144 के ऊपर है और EMA 21 भी EMA 55 के ऊपर है। इसका मतलब इंटरमीडिएट ट्रेंड एंड शॉर्ट टर्म ट्रेंड दोनों अभी बुलिश हैं और इंटैक्ट हैं दोस्तों। अब यहाँ पर अगर हम गौर से फर्दर एनालिसिस करें तो इस हॉरिजॉन्टल लाइन की चर्चा की जो इमीडिएट एक रेजिस्टेंस मिलेगा मतलब 225 तक जाने की संभावना तो काफ़ी प्रबल है और वहाँ पर जाके एक उसे रेजिस्टेंस मिलेगा जिसकी चर्चा ये अभी हमने चार्ट पे की। इसके अलावा दोस्तों क्या हम यहाँ पे प्राइस एक्शन के अनुसार कोई हॉरिजॉन्टल लाइन खींच सकते हैं? देखिए प्राइस ने यहाँ पे मल्टीपल सपोर्ट लिया था और इस जगह पे आप देखिए 10th मार्च को एक ब्रेकडाउन हुआ इस की सपोर्ट एरिया का, लेकिन वो फॉल्स ब्रेकआउट साबित हुआ। और मैं चार्ट को थोड़ा सा एनलार्ज करता हूँ ताकि मार्केट की साइकोलॉजी को हम समझ सकें और यहाँ पर देखिए वेरी नेक्स्ट डे एक बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न का फॉर्मेशन होता है जिसे हम वन वाइट सोल्जर के नाम से जानते हैं और इसके बाद प्राइस ने यहाँ पर एक कंसोलिडेट किया। ये देखिए इस लेवल पे कई दिनों तक कंसोलिडेट किया प्राइस ने, ये बहुत इम्पॉर्टेंट लेवल है। इस लेवल पे कंसोलिडेट करने के बाद ये देखिए प्राइस का मल्टीपल रिजेक्शन था, यहाँ पर इसका क्लोजिंग बेसिस पे ब्रेकआउट हुआ और वो दोस्तों क्लोजिंग बेसिस पे जो ब्रेकआउट हुआ वो फॉल्स ब्रेकआउट साबित हुआ क्योंकि नेक्स्ट कैंडल एक बेरिश हरामी कैंडल पैटर्न फॉर्म हुई। और इसीलिए तो दोस्तों जब हम इस चैनल पर ट्रेडिंग स्ट्रेटजी बनाते हैं तो किस तरह से फॉल्स ब्रेकआउट को अवॉइड कर सकते हैं और डिफरेंस क्या है ब्रेकआउट में और डिसाइसिव ब्रेकआउट में, इसकी चर्चा हमने कई बार जीरो टू हीरो के ट्यूटोरियल सीरीज में की है दोस्तों। अब यहाँ आज की कैंडल को जब हम देखते हैं दोस्तों तो फिलहाल जब मैं एनालिसिस कर रहा हूँ तो आप यहाँ पर टाइम देख सकते हैं कि क्या टाइम है और इसे जब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो दोस्तों यहाँ पर आप देखिए आज की कैंडल इस की ब्लॉक के बाहर में ओपनिंग एंड क्लोजिंग है। ऑल दो कैंडल बैरिश जरूर है लेकिन इसके ऊपर में ट्रेड होती हुई नज़र आ रही है। अब यहाँ पर ये जो ट्रेंड लाइन है दोस्तों, ये जो ट्रेंड लाइन है ये हमें मदद करेगी ट्रेंड को राइड करने में एंड स्टॉप लॉस को ट्रेल करने में। तो हमारी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी होनी क्या चाहिए दोस्तों, अगर हम करंट मार्केट प्राइस पे एंटर करते हैं तो हमें अपने स्टॉप लॉस को 225 लेवल पर पहुंचने के बाद थोड़ा सा टाइट करना होगा। और टाइट हम कैसे करेंगे स्टॉप लॉस को, तो हम एक शॉर्ट टर्म ट्रेंड लाइन खींचते हैं दोस्तों। ये देखिए मैंने एक ट्रेंड लाइन खींची और ये सिग्निफिकेंट ट्रेंड लाइन हो सकती है, इसको मैं एक्सटेंड करता हूँ। आप देखिए थोड़ा सा मैं इसको फाइन ट्यून कर रहा हूँ ताकि आप बेहतर तरीके से एनालिसिस समझ सकें। प्राइस का सपोर्ट, इसे थोड़ा सा और फ्लैट करना होगा दोस्तों। ये देखिए तो ये ट्रेंड लाइन जो है हमें मदद कर सकती है अपने स्टॉप लॉस को टाइट करने में और स्टॉप लॉस को ट्रेल करने में। यहाँ पे अगर हम गौर से देखें दोस्तों तो इस जगह पे मैं एक और काउंटर ट्रेंड लाइन खींचता हूँ और ये काउंटर ट्रेंड लाइन प्राइस का रिजेक्शन और करेंट कैंडल इस फॉलिंग ट्रेंड लाइन जो रेजिस्टेंस लाइन थी इसके ऊपर में ट्रेड हो रही है। तो यहाँ पर एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल बनता हुआ नज़र आ रहा है दोस्तों। अगर हम लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव की बात करें तो दोस्तों इस इम्पल्सिव वेव को ध्यान से देखें, ये एक मेजर इम्पल्स का फॉर्मेशन हुआ था प्राइस चार्ट में और प्राइस ओवर एक्सटेंडेड हो गई थी और इसीलिए इसमें करेक्शन ओवरड्यू हो गया था क्योंकि मीन रिवर्जन प्रोसेस एक नॉर्मल प्रक्रिया होती है मार्कअप फेज में दोस्तों। अब यहाँ पर अगर हम ध्यान से देखें तो हमें करना क्या चाहिए, हमें दोस्तों इस कैंडल को रेफरेंस बनाना चाहिए। ये कैंडल जो एक वन ब्लैक क्रो का फॉर्मेशन है 3rd मार्च का, इस कैंडल का जो ओपनिंग है वो 221.7 है।
तो हम 221.8 पर एक बाई स्टॉप ऑर्डर डाल सकते हैं। तो हम एक बाई स्टॉप ऑर्डर इस जगह पे डाल सकते हैं। वो ऑर्डर अगर ट्रिगर हुआ, ये देखिए मैं उसको फाइन ट्यून कर रहा हूँ, 221.8 पर एक बाई स्टॉप ऑर्डर डाल सकते हैं। ये अगर ट्रिगर हुआ तो हम ट्रेड में होंगे, अन्यथा इस फॉल्स मार्केट सिचुएशन को अवॉइड करने में लार्ज एक्सटेंट तक हम इस स्ट्रेटजी को अडॉप्ट करके सफल हो पाते हैं। अब दोस्तों लॉन्ग टर्म परस्पेक्टिव की बात करें पोजिशनल ट्रेड की, तो पोजिशनल ट्रेड में ऐसा है दोस्तों कि हमें ट्रेंड को राइड करना होगा और स्टॉप लॉस को ट्रेल करना होगा। तो एक सावधानी तो 230 पे बरतनी होगी, जहाँ पर एक मेजर रेजिस्टेंस का एनकाउंटर होगा और एक माइनर रेजिस्टेंस है 225 पर। तो 225 से 230 का बैंड जो है वो सप्लाई बैंड है, लेकिन क्या ये सप्लाई बैंड टूटेगा? जैसा अभी चर्चा की हमने दोस्तों लार्जर टाइम फ्रेम में कि कप एंड हैंडल का फॉर्मेशन होता हुआ नज़र आ रहा है, तो पॉसिबिलिटी नज़र आ रही है कि ये एक टूट सकता है दोस्तों रेजिस्टेंस। और अगर हम लॉन्ग टर्म परस्पेक्टिव में एक पोजिशनल ट्रेड के हिसाब से बात करें दोस्तों, तो आप देखिए मैं फिबोनाची एक्सपेंशन टूल का इस्तेमाल कर रहा हूँ। इस प्रायर इम्पल्सिव वेव का जो टारगेट को दोस्तों अगर 230 का ब्रेकआउट हो जाता है डिसाइसिव तरीके से, तो इसे ये 246 पर ले जाने की क्षमता रखता है, और 246 के बाद में दोस्तों ये पॉसिबली 259 260 तक जाने की क्षमता रखता है। तो दोस्तों अगर आपको ये एनालिसिस पसंद आई है तो इसे ढेर सारे लाइक्स दीजिएगा। आपके कमेंट्स का हमें कमेंट सेक्शन में होगा बेसब्री से इंतज़ार। इसे शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को इनेबल कर दीजिए ताकि जब भी हम नया वीडियो लेके आए आपको नोटिफिकेशन समय पे मिल सके दोस्तों, और आप कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियोस चैनल पे मिस ना करें। देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। फिर मिलेंगे दोस्तों अति शीघ्र। देखने के लिए धन्यवाद, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को इनेबल करें नोटिफिकेशन के लिए, ताकि आप हमेशा अपडेटेड रहें।